नमस्कार, मैं रूप किशोर राजपूत, क्रांतिकारी खबर में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में। यहाँ विकास नगर में एक सौरभ नाम के व्यक्ति ने अपने माता पिता की हत्या कर दी है। संपत्ति विवाद का मामला बताते हैं और हत्या करने के बाद थाने में पहुँच गया है और साथ ही इसने हथौड़ी से अपने भतीजी का सर में हथौड़ा मार करके गंभीर रूप से घायल कर दिया है। समाचार लिखे जाने तक भतीजी मेडिकल हॉस्पिटल में गंभीर हालत में है। मैं रूप किशोर राजपूत, जानकारी खबर के हिसाब से देखते रहिए। और ये जानकारी करते हैं अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अधीक्षक कलानिधि नेथानी से, क्या है पूरा मामला। स्वयं थाने पर पहुंचा और इसके द्वारा थाने पर पहुंच कर ये बताया गया कि इसके द्वारा हथौड़े और ईंट से अपने जो घर में मौजूद थे उससे अपने माँ बाप की हत्या कर दी गई। इसके पिताजी श्री ओम प्रकाश जो हैं, जो नाम इसने बताया है, उनकी उम्र इसने 62 साल बताई और माँ की उम्र लगभग 60 साल बताई। इसके पिताजी एक रिटायर्ड एडीओ इसने बताए जो पंचायत में थे। प्रथम दृष्टया पूछे जाने पर इसने पारिवारिक संपत्ति और इससे संबंधित पारिवारिक कलेश इसके बारे में इसने बताया है कि ये इसका इस कारण से इसने हत्या की है। यह भी इसने बताया कि इसकी भतीजी है 4 वर्ष की, उसको भी इसने घायल कर दिया, जिसको भी अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में वो उसको गंभीर अवस्था में ले जाया गया था। वहाँ से अभी जो सूचना है वो अभी उसको तस्दीक किया जा रहा है, जो भी सूचनाएँ हैं। बाकी आगे की जो पूछताछ होती है कि सभी उसको हिरासत में लिया गया है, घटना का एग्जैक्ट मोटिव, इसने क्यों अपने परिजनों की हत्या की है, और उससे भी आपको अवगत कराना। इसका भाई घर पे था या इसके अन्य फैमिली मेंबर्स घर पे? अभी तो घटना पे हम लोग अभी तत्काल पहुंचे हैं, इससे पूछताछ शुरू कर ली गई है। प्रथम दृष्टया जो पुष्टिकारक तथ्य थे उससे आपको अवगत करा दिया गया है। आगे जो भी तथ्य आते हैं विस्तृत जो है आपको अभी कुछ ही देर में हम लोग और भी अवगत। सर कितनी हत्याएं हैं टोटल? दो हत्या जो कन्फर्म है अभी। तीसरी जो इसकी भतीजी है उसको गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया था, अभी उसकी क्या कंडीशन है उसको देखते हम लोग अवगत करा। आरोपी सर थाने में सरेंडर किया था? आरोपी स्वयं थाने पर आया और थाने पर आकर इसने यही बताया था कि इसने घर पे मौजूद हथौड़े से और ईंट से अपने माँ बाप की हत्या की। सर प्राइमा फेसी भतीजी को जख्मी कर दिया। प्राइमा फेसी विवाद जो निकल के आ रहा है वो जमीन का? इसने जो स्वयं बताया वो कुछ इसका कोई कुछ प्रॉपर्टी संबंधी बता रहा है, कोई जिम खोले जाने को भी कुछ बात कह रहा है। वो सब तथ्यों को एक बार तस्दीक करके जो कंसिस्टेंट फैक्ट्स हैं उससे आपको हम लोग अवगत कराते हैं।